गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बच्चा, गुड मॉर्निंग। बैठ जाओ बैठ जाओ। और बच्चा, जिंदगी के मजे ले रहे हो? नहीं सर, जिंदगी हमारी ले रही है। क्या बे? अरे सर मजे और क्या, जिंदगी हमारी मजे ले रही है। बेटा जीभ में हड्डी नहीं होती, फिर भी ये अजीब इंसान की सारी हड्डियाँ तुड़वाने की ताकत रखती है। बेटा तू बहुत बोलता है ना, चल खड़ा हो। चल अब ये बता कि कौन से जाति के लोग सबसे अच्छे नागरिक होते हैं? सर जी बनिए। बनिए? वो कैसे बे? अरे सर जी आपने नहीं पढ़ा क्या, हर जगह लिखा होता है देश के अच्छे नागरिक बनिए, देशभक्त बनिए। धन्य हो प्रभु। सर जी प्रभु से याद आया, आज हमारे सपने में भगवान आए थे अमृत लेकर। अच्छा, तब तो बेटा अमृत तूने पिया होगा। नहीं सर मैंने मना कर दिया। मना कर दिया? वो क्यों गधे? भगवान भी यही पूछ रहे थे, क्यों बेटा अमृत क्यों नहीं पी रहे हो? तो हमने कहा प्रभु अभी अभी गुटखा खाया हूँ, कैसे थूक दूँ। अमृत से भी ज्यादा गुटके का महत्व है। अच्छा एक मिनट, गुटखा खाता है तू? तेरी तो। अरे सर जी वो सपने में था। गुटखा खाता सुअर कहीं का? अरे सर जी वो सपने में खा रहा था ना। और बताओ क्या करती हो? जी मैं इग्नोर करती हूँ, और अगर ज्यादा गुस्सा आए ना तो मैं गाली भी देती हूँ। अले मेरी जान गुच्चा मटकल, आई लव यू बोल देना इकबाल। अले यार आज गर्मी बहुत ज्यादा है। नहीं बेटा पंखा चालू है। फिर भी चल गर्मी बहुत हो रही है। हाँ बेटा गर्मी होएगी, बाहर निकल, लड़की छेड़ता है ना तेरी तो। अले नहीं तो छोटा सा है। चल सुअर कहीं का, चल बैठ चल। अले मैया आ, अले मेरे पिछवाला आ, टूट गया आ। ए भैया ये चला मेरे पिछवाले का एक फोटो खींच के दिखा दो तो। अले मेरे मैया, अले बाप ले बाप, चल ये माल माल के मेरे पिछवाले के दो टुकड़े कर दिए। अरे अरे चुप कर चुप कर, सुअर कहीं का चुप, बैठ बैठ चल यहाँ बैठ। मास्टर जी मास्टर जी। क्या है मास्टर जी? हम आपके पास कंप्लेन लेकर आए हैं। कंप्लेन? कैसा कंप्लेन? हमारे बच्चे पढ़ते नहीं हैं, पूरा का पूरा दिन मोबाइल से चिपके रहते हैं, पता नहीं क्या करते रहते हैं ये लोग, हमें पता ही नहीं चलता। हाँ सर आपका लड़का भी बहुत ज्यादा सोशल मीडिया पे बिजी रहता है आजकल, हमने देखा है। बेटा वो पढ़ाई करता है। अच्छा आपको कैसे पता? बेटा हमें सब पता चलता है, हमारा बच्चा फोन पे क्या क्या करता है वो हमें सब पता चलता है। मास्टर जी हमें भी अपने बच्चों के बारे में जानना है, हमें उनकी बहुत चिंता रहती है। ठीक है हम बताएंगे, आइए आप लोग अंदर बैठ जाइए, यहाँ बैठ जाइए आप लोग। अगर आप लोग अपने बच्चों की सुरक्षा चाहते हैं तो हम आपको एक बहुत ही बेहतर बहुत ही अच्छा ऐप बताते हैं, वंडरशेयर फेमस ऐप। यह एक विश्वसनीय स्क्रीन टाइम पेरेंटल कंट्रोल ऐप है जिसमें बच्चों की स्क्रीन टाइम लिमिटिंग, लोकेशन ट्रैकिंग, वेबसाइट फिल्टरिंग, गेम और पोर्न ब्लॉकिंग, संदिग्ध फोटो डिटेक्शन और सोशल मीडिया ऐप जैसे यूट्यूब फेसबुक पर संदिग्ध टेक्स्ट डिटेक्शन जैसे सुविधाएं हैं, इंस्टाग्राम व्हाट्सएप और बहुत कुछ उल्लेख फेमस ऐप क्रॉस प्लेटफॉर्म है और विंडोज मैक किंडल फायर एंड्रॉइड और iOS डिवाइस पर काम करता है। और माता पिता फेमस ऐप की वेबसाइट पर लॉगिन कर सकते हैं और ऑनलाइन डैशबोर्ड से बच्चों के स्थान को ट्रैक कर सकते हैं। मैं अपने बच्चों की सुरक्षा के लिए डाउनलोड किया हूं। अगर आप भी अपने बच्चों की सुरक्षा चाहते हैं तो आप लोग भी डाउनलोड करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। फेमस ऐप में आप ऑनलाइन सेफ्टी कैंपेन ज्वाइन करें और वहां जाके क्विज खेलें, क्विज में आपको मिलेगा गिवअवेज, कैमरा, लीगो लाइसेंस ऑफ फेमस ऐप। अब आप लोग जा सकते हैं, हम जा रहे हैं बच्चों की कॉपी चेक करने। चलो सभी लोग अपनी अपनी कॉपी दिखाओ। चल तू दिखा, होमवर्क करके लाया है। आ चल जी ये देखो। वाह क्या बात है। अरे वाह ये तो चल जी हमें गुड दे दिए, ये देखो हमें चल जी गुड दे दिए, हमें चल जी गुड दे दिए। अबे इतना खुश हो रहा है मानो के सर ने अपने जायदाद में से आधा हिस्सा दे दिया हो। चल जी ये लोग हमें कमीना कहते हैं, चल जी ये लोग
बेटा, तो साबित कर दे कि तू कमीना नहीं है। चल बता, आलू और भिंडी की सब्जी एक साथ क्यों नहीं बनती है? चल जी, ये तो बहुत लंबा कहानी है, कहो तो सुना दूं। हाँ सुना। चल जी, एक बार ना आलू ने भिंडी को आई लव भी बोला, तो भिंडी को बहुत गुस्सा आया। उसने आलू को बहुत कली कोटी चुनाई और बोली, तुम इतने मोटे और सस्ते, मैं इतनी पतली और सेक्सी, मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। सर, तब से आलू का दिल टूट गया। तब से आलू ने इतनी सब्जियां पटाई, जैसे आलू गोभी, आलू बैंगन, आलू शिमला मिर्च, आलू पालक, आलू मटर, आलू गाजर, आलू छोला, आलू मेथी, आलू टमाटर, और चल भिंडी होती जिनके अकेली है। चल जी, इसी तरह लड़कियां भी हैं, अकेले तली भूजी जाएंगी, लेकिन किसी लड़के का भला नहीं चलेंगी। और लड़के लड़के तो आलू की तरह होते हैं, सबके साथ मिलजुल के प्यार मोहब्बत चलाते हैं। चल जी। बेटा, तू तो बेवकूफ है ही है। चल बैठ जा, इस क्लास में बेवकूफ कौन कौन है, खड़े हो जाओ। तू बेवकूफ है? नहीं सर जी, अकेले खड़े थे तो देखा नहीं गया, इसलिए खड़ा हो गया। तेरी तो मुझे बेवकूफ समझता है, रुक जा।